कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें ठिकाने लगाने के सस्ते, आसान और माहौल दोस्त तरीके भी हैं। यही नहीं बल्कि आलाइशों से बेहतरीन खाद और मुर्गियों की फीड भी बनाई जा सकती है। इस बारे में देखते हैं कराची से तारिक अबुल हसन की रिपोर्ट। ईद उल अजहा पर जानवरों की आलाइशें सड़कों, गलियों और खुले मकामात पर फेंक देना और उन्हें उठाने का जिम्मेदार सिर्फ बल्दियाती इदारों को समझना दुरुस्त नहीं। इससे बेहतर क्या हो सकता है, ये जानने के लिए मिलिए अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी अली हसन समंतूर से। वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर और माहिर माहौलियात होने के अलावा अमेरिका में हैवानी फजला ठिकाने लगाने के मंसूबों का हिस्सा भी हैं। इनका कहना है कि शहरियों के ताबुन से इंतहाई कम खर्च और माहौल दोस्त तरीके से आलाइशों को ठिकाने लगाया जा सकता है। अगर आपके पास कच्ची जमीन है तो उसमें आप जो है गड़े खोदें और जानवर का खून, उसकी तमाम आलाइशें, उसके कान, ये सारी चीजें उसके अंदर डाल दें और आप उसके ऊपर अगर जो है 6 से 8 इंच मिट्टी डाल दें तो आप बिल्कुल भूल जाएं, वो अंदर ही अंदर जो है जमीन के कीड़े उसको खा पी के उसको बेहतरीन खाद बना देंगे। आपकी जमीन जरखेज हो जाएगी, उसके ऊपर आप पौधे लगा सकते हैं और दूसरे काम कर सकते हैं। और ये काम मैंने खुद अपने तौर के ऊपर ये तजुर्बा जो है किया है। जो आलाइशें जानवरों की जमीन में दबा दी जाती हैं वो हमारे लिए दोबारा किस तरह फायदेमंद होंगे और क्या उनसे बदबू वगैरह तो नहीं आएगी? इसमें कोई किसी किस्म की कोई भू का सवाल नहीं है, उसके ऊपर एक मिट्टी की जो है तह मौजूद है और अंदर जो है जो जमीन के कीड़े हैं उसको वो खा पी के अपना जो है खत्म कर देंगे। ये मुमकिन है कि उसमें से जो है कुछ मैथेन का इखराज जो है वो हो, लेकिन वो ऐसी बू नहीं है जो आपको जो है वो मालूम हो कि वो जो है आ रही है। और ये बहुत जरखेज जो है जमीन बनेगी आपके इस किस्म की आलाइशों से, ये जिसके ऊपर आप जो है पौधे उगा सकेंगे, सब्जियां उगा सकेंगे। अली हसन का कहना है कि जानवरों की आलाइशें हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं। शहरी घरों में कच्ची जगह या लॉन में गहरा गड़ा खोदकर आलाइशें दफना दें तो ये बेहतरीन खाद का काम दे सकती हैं। इसी तरह फ्लैट में रहने वाले भी बड़े गमलों में चर्बी और आलाइशों के छोटे टुकड़े करके दबा सकते हैं। आलाइशों से मुर्गियों की फीड भी बनाई जा सकती है। आलाइशें ठिकाने लगाने के इन तरीकों से एक तरफ बल्दियाती इदारों पर दबाव कम होगा तो दूसरी तरफ सड़कें और गली महल्ले भी साफ रहेंगे। कैमरामैन सैयद महबूब अली के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची।